गियर में लगा देखो भैया। राहुल भाई एक चीज याद आ गई। हाँ जी, हाँ जी। एक तो जो इन्होंने कंपनी वालों ने ट्रैक्टर का कलर जो लिया है, हाँ जी, हाँ जी, भगवा, हाँ हाँ, जिसका आजकल हिंदुस्तान में बजरंगा बज रहा भगवा कलर का, बिल्कुल बिल्कुल, भगवा ही भगवा हो रही है जी जी जी। तो एक तो कलर जो है वो बहुत अच्छा ट्रैक्टर का जी जी जी, जो कहीं भी फेल नहीं होता। बिल्कुल। दूसरी चीज, घर में, घेर में या घर में खड़ा करो चाहे शोरूम में खड़ा करो, हाँ जी, हाँ जी, ट्रैक्टर दो ही है, एक मैसेर एक कुबोड़ा। अच्छा, मतलब तो भैया सब सड़क पे दिख ले फिर रहे, कोई ट्रैक्टरों पे और कोई गांडों में, मतलब कैसा लगा, मतलब तुम्हें घर में भाई जो किसानों ट्रैक्टर, अच्छा किसानों किसान के ट्रैक्टर है जी 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 जी, जो उनको भैया भाड़ा नहीं करते, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आवा इनके, और घर की जो सो बनाते हैं, मैसी जी जी, और कुबोटा। अच्छा अच्छा, ठीक है, भैया सब भाड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, हाँ जी, जो महिंद्रा, हम भी महिंद्रा चला रहे भाई, हाँ जी, हाँ जी, एक चीज जो इसमें नोट करने वाली बहुत बड़ी, ट्रैक्टर का नट लेकर छोटे से बड़े तक, अच्छा, कोई भी जी, टोटल स्टील टेम्पर्ड नट है। अच्छा, मोर लगी भाई है सब पे जी जी जी, केवल इसमें चार नट ये हैं देसी, जो आगे बम्पर पर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, और महिंद्रा में सारे देसी वाले लग रहे हैं, सारे देसी वाले, सारे देसी। अच्छा, सब मोटी चूड़ी वाले पन्ना जोर से घुमाते तो सारे फेल है। इसके नट पन्ना टूट जाएगा, नट फेल नहीं होना का कोई भी ट्रैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसमें कंपनी ने दे रखे हैं, छोटा नट हो चाहे बड़ा नट हो जी, टोटल स्टील टेम्पर नट है, छोटे छोटे नट पे भी मोहर लगी भाई है जी जी। ये रही। तो एक बात और बताओ भैया, तुम्हारे पास में महिंद्रा 265 अभी है जी, उसे चला के जी और इसे चला के कैसा लगे भाई? फिर उसे चलाने को जी नहीं करता सच्चाई। अच्छा, 65 में बैठने जी नहीं करता, फिर जी नहीं करता चलाने को। हाँ जी, हाँ जी, इसे ही चलाने को जी करा भाई, मतलब इसे चला के तो फिर आदमी फिदा हो जाए, मान लो स्कॉर्पियो में बैठ। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज हम नेहरू गांव में पहुंचे हैं और जो सामने आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, कुबोटा का MU4501 है। इस ट्रैक्टर को जिस दिन ये लेकर आए थे नंगली गेट पे, मैंने वीडियो बनाई थी, और ये ट्रैक्टर वे किसान लेकर आए, इन्होंने अपनी जीवन में पहला ट्रैक्टर खरीदारी से चला रही, एक साल का लगभग समय हो गया इन्हें। तो आज इस ट्रैक्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी किसान से लेंगे कि क्या है सच्चाई कुबोटा ट्रैक्टर की, जैसे ये ले, मतलब इतने दिन इन्हें चलाते हुए हो गया। तो आज भैया जी से मिलवाऊंगे, ट्रैक्टर के बारे में पता करेंगे। तो अब ये खेत से ही आए, तो आ जाओ भैया सामने आ जाओ एक बार। तो भाइयों अभी जोनी भाई से मिलवा दे एक बार, क्या हाल है भैया के? बढ़िया भैया जी, और लाल भाई ठीक? बहुत बढ़िया। तो एक साल हो गया होगा मुझे लगा, पिछले साल एक साल हो गया। हाँ जी, एक साल, एक साल हो गया, और हो गया दो बार। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आप ट्रैक्टर शुरू में यही लेकर आए जी? जी है ना जी। इससे अदर कंपनी का कोई ट्रैक्टर चलाया भी नहीं आपने? नहीं, इससे पहले महिंद्रा का ही चला रहे। अच्छा, महिंद्रा का चला? हाँ, 265 भी चला, 575 भी चला। एक जाओ सुन जाओ। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं नेहरू गांव में पहुंचा हूं, जो कि भाइयों जिला मेरठ में फड़ावदे के पास का गांव है। और पिछले वर्ष ये ट्रैक्टर जब दीपावली से पहले धनतेरस के दिन ये भाई लेकर आए थे, तो सकोते नंगली गेट पर मैंने इस ट्रैक्टर की वीडियो बनाई थी। तो आज भाइयों गांव में पहुंचे हैं, तो किसान से इस ट्रैक्टर के बारे में पता करेंगे, मतलब कंप्लीट कि ट्रैक्टर में एक साल जैसा उन्हें चलाते हुए होगी, क्या कुछ लगा उन्हें, ट्रैक्टर कैसा लग रहा है, डीजल का क्या एवरेज है, जुताई कैसी कर रहा है, ट्रॉली की खैच कैसी है, मतलब सब तरीके की चर्चा जो है वीडियो में होगी, वीडियो पर लास्ट तक बने रहियो। तो सबसे पहले हम भैया जी से मिलवा दो एक बार, क्या हाल है भैया जी के? बढ़िया भैया, राहुल भाई। और हाँ बढ़िया जी, बढ़िया। तो एक साल हो गया लगभग ट्रैक्टर? हाँ, लियो एक साल हो गया। अच्छा अच्छा, जोनी भाई एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ ट्रैक्टर कौन कौन सी कंपनी का आपने चलाया जी? भैया ट्रैक्टर महिंद्रा जी, और फिर कुबोटा। महिंद्रा चलाया इससे पहले? अच्छा, जैसे कुबोटा को एक साल हो गया चलाते हुए जी, क्या ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस क्या? भैया ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है जी, तो चलाना में बहुत अच्छा है जी, पावर स्टेरिंग है, साइलेंट मोड है, ऐसा मानो जैसे गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल, ट्रैक्टर जैसे गाड़ी चला रहे हैं, जैसे महिंद्रा चलाया, महिंद्रा अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन उससे बेटर, उससे बेटर है। अच्छा अच्छा, और ट्रैक्टर में कोई खास बात? ट्रैक्टर में खास बात, एक तो ट्रैक्टर साइलेंट बहुत चलता है जी,
और ट्रैक्टर में वाइब्रेशन तो है ही नहीं बिल्कुल, और एवरेज तेल का वो बढ़िया है बहुत, पैंतालीस महिंद्रा से कम खावा है। हाँ महिंद्रा से कम। अच्छा जी। हाँ रूटर पे इसका करीब 4.5 लीटर पर घंटे का है इसका। 7 फुटे रूटर, सात फुटे रूटर पे। अच्छा फुल लोड पे। फुल लोड पे। अच्छा अनिश अच्छा भी खा जा। हाँ अच्छा भी खा जा। हमने इसका जो एवरेज लिया पीछे, अब तो रूटर घर अपना लिया है, पहले रूटर नहीं था जी, तो अब एवरेज लिया, पहले भी लिया था जी। ठीक है। और बाकी उससे काम बढ़िया है इसका, 575 से काम, 575 दब जा, दबता नहीं जी, दबता नहीं। अच्छा अगर बात करें जैसे ट्रॉली के काम में हो गई, ट्रॉली भाई ट्रॉली के काम पर चलाया नहीं अभी। अच्छा ट्रॉली बंद चलाया अभी नहीं, रोड पे या ट्रॉली का कोई काम नहीं, रोड पे ट्रॉली पे कोई भी 20-25 क्विंटल गन्ना मौसम कहाँ पता चला, ट्रैक्टर पे भाई खेत में गन्ना ट्रॉली भर जाए 50-60 क्विंटल गन्ना 70 हो जी जी जी, या भाई 100 क्विंटल गए ऐसा मामला हुआ, अभी ऐसे लोड पे घेरा नहीं। अच्छा एक चीज और है, जैसे कुछ भ्रांतियां चल रही ट्रैक्टर के, भाई बाहर का ट्रैक्टर है, विदेशी ट्रैक्टर है, जापान का, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलने का इसका, या इसकी समस्या है सामान नहीं मिलने का। वो अभी तो जो कंपनी है जी जी जहाँ से हमने लिया है उन्होंने फुल अभी तो होम सर्विस दे रही इसकी सारी, एक सर्विस हुई अभी 243 घंटे ट्रैक्टर चला है, 243 थी अभी तक। अच्छा अच्छा एक सर्विस होगी थी इसकी 50 घंटे पे, एक अब होगी 250 घंटे जी जी। उनकी कैसी सर्विस है? उनकी बढ़िया सर्विस है, खुद फोन करके पूछा उन्होंने ट्रैक्टर सर्विस पे कितना घंटे चल लिया। अच्छा हाँ अभी उन्हें टाइम दिया है, 1-2 दिन में आएंगे सर्विस करने में। हाँ यहीं का सर्विस करके जा रहे हैं, होम सर्विस है। अच्छा अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी स्पेयर पार्ट वगैरह जो है भाई कोई भी जो कंपनी आज ही चल रही है फुल गारंटी है उनकी, यहीं पे अवेलेबल कराएंगे जी जी जी। ठीक है ना जी। अभी तो कोई ऐसी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ट्रैक्टर में भी दिखाई दी नहीं जी किसी भी प्रकार की। अच्छा एक चीज और है मेरे मन में सवाल, जैसे आपको बोटा पर पिछले साल गई जी, कहाँ देखा था सबसे पहले, कैसे मन में आई थी? भैया हमारा भाई है छोटा आर्मी में जी, चाचा जी का लड़का, उसका दोस्त है शामली साइड का, सहारनपुर का जी जी जी, तो उसके पास में कुबोटा था। अच्छा अच्छा ये छोटा भी ट्रैक्टर है उसके पास में, मिनी भी और योगी 45-01 भी, दोनों ट्रैक्टर पे कुबोटा जी जी जी। तो उन्होंने ही कहा था ना भाई उस ट्रैक्टर बहुत अच्छा, उन्होंने चला के देखा था, चलाया बिल्कुल उन्हीं के उस पर ले लिया। तो मतलब जैसा उन्होंने बताया वही उतना ट्रैक्टर खड़ा निकला, उतना ही अच्छा ट्रैक्टर है, बढ़िया निकला। हाँ ट्रैक्टर में कोई भी जी, देखो अभी तक तो एक साल के अंदर कोई ऐसी कोई खराबी इसमें आई नहीं जी, हाँ जी, कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं दी भाई रोड पर दब रहा है कोई भी चीज है, बिल्कुल अभी कंपनी फिटेड चल रहा है, बल्कि मैं आज ये कह रहा था मैं इसके थोड़े आरपीएम बढ़वाएंगे ट्रैक्टर के। अच्छा आरपीएम बढ़वा। हाँ स्पीड 37-38 की स्पीड है रोड पर, तो मैं थोड़े से आरपीएम बढ़वाएंगे 40 की 45-40 हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो भैया इसमें जैसे गियर की बतावा कि सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स है जी, वाइब्रेशन की तो आपने बता दी। हाँ जी गियर बॉक्स है वही है, कोई हाँ से गियर में लगा, हाँ कोई से भी गियर में, बैक गियर इसका जोन से भी गियर में ट्रैक्टर पड़ा है, हाँ आप डायरेक्ट बैक गियर लगाओ ट्रैक्टर उसी गियर में, चाहे चौथे में हो चाहे तीसरे में हो चाहे पहले में हो चाहे दूसरे में जी जी, उसी में गियर पड़ा है। अच्छा भैया और बात अगर करें हाइड्रोलिक की सेंसिंग की, जैसा मैसी की हाइड्रोलिक है जी, और वो सेंसिंग अच्छी करे उसी के कारण इसमें भैया सेंसिंग पॉइंट 3 दे रखे ट्रैक्टर में। अच्छा जी ठीक है जी, ठीक है जी। जो सेंसिंग नहीं लेनी तो सबसे ऊपर ले में चलाओ, ठीक है, सबसे नीचे ले में इसकी सबसे बिल्कुल जैसी मैसी की सेंसिंग है वो सेंसिंग आती है इसकी। अच्छा अच्छा टीलर तो, पे जैसा कल्टीवेटर पे चला, कल्टीवेटर पे बहुत अच्छी। हम जब शुरू में इसे लेकर आए थे तो हमने ऊपर चलाया, महिंद्रा में एक ही थी, हाँ जी, तो हमने ऊपर ही गियर का चलाया तो वहां सेंसिंग नहीं इसकी आ रही थी, हमने कंपनी में बात करी मगर ये आप सेंसिंग को लिए बोल रहे थे सेंसिंग नहीं आ रही, इनको आप सेंसिंग आवेगी इसे सबसे निचले वाले में डालो। अच्छा अच्छा ठीक, और वहां से ट्रैक्टर की सेंसिंग देखो क्या आवेगी, नहीं तो शुरू में तो हम भी कई दिन इसमें परेशान रहे, ट्रैक्टर दब जाता है एकदम। अच्छा चला पट्टी वट्टी देखा था बहुत मजबूती, हाँ जी बाकी सारी चीज ट्यूब पट्टी वगैरह सारी चीज लिंक पिंक सब बहुत मजबूत है ट्रैक्टर की। अगर कोई किसान ट्रैक्टर पे जाना चाहे तो अपनी तरफ से एक साल के उससे क्या कहना चाहोगे किसानों को? मतलब भैया ट्रैक्टर बहुत अच्छा है जी, ठीक है जी, आप किसी भाई की इच्छा बन रही है हाँ जी, हाँ जी ट्रैक्टर को लेने की जी, तो बेधड़क आप ले, बेधड़क ले, हाँ, कोई भी। अच्छा इसमें 45-01 फोर व्हील जब सा आया तो आपका फोर व्हील की मार्केट बहुत जबरदस्त रही, फोर व्हील की भी अच्छी चल रही, फोर व्हील की मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, हाँ जी हाँ जी, लेकिन टू व्हील ड्राइव में भी 45 HP में ट्रैक्टर 50 की टक्कर ले, हाँ 50 की टक्कर ले, है ना, ये सच्चा ही है। किसानों ने बताई बात भी, शक्तिमान का रूटर जो 575 हमारे यहाँ से चला रहे हैं बाड़े पे, जो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर चल रहा 575 राजेंद्र सेठ जी का, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ही उन पर शक्तिमान का रूटर बेटर है, जहाँ रूटर बेटर यूज चला रहा था उन्होंने कहा 575 कभी नहीं खींचेगा। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल खिंचाई तो बढ़िया जी, इसकी खिंचाई बहुत अच्छी है बिल्कुल। और एक चलाने में आदमी जैसा पूरे दिन ट्रैक्टर है ना तो थकता तो है नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, सेम गाड़ी बता पाए तो हाँ गाड़ी चला, हाँ जी एक बार भैया करिए एक बार स्टार्ट कर देखो ड्राइव ले हुई एक बार घंटे देखो भाइयों
ये देखो जी गेर में था गेर में ना निकाल रखा मैंने न्यूट्रल कर देखो गाड़ी की तरफ आवाज जो है मुझे ब्रेक लग रहा दिक्कत आपको जरूर पसंद आएगी कमेंट करके बताना नमस्कार।